तो ताश के पत्ते की तरह पुल गिर गया। 14 में सीएम नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। 2016 में पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पहले भी एक बार ये पुल गिर चुका है। कई सारे सवाल एक बार फिर से अब खड़े होंगे। पुल का एक बड़ा हिस्सा भर भराकर गिर गया, ताश के पत्तों की तरह गंगा नदी में समा गया पुल का एक बड़ा हिस्सा। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुल के चार पाए गंगा नदी में समाए। देखते ही देखते पुल का एक बड़ा हिस्सा भर भराकर गिर गया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता दिग्विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। दिग्विजय, जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि एक बार फिर से ये पुल गिरा है। पिछली बार भी पुल गिर गया था, पिछली बार भी सवाल खड़े हो रहे थे और इस बार भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे पुल के गिर जाने पर। दिग्विजय, सबसे बड़ी बात क्या बता दें कि जो खगड़िया से जो सुल्तानगंज और अगवानी का जो ये पुल बन रहा है, 1700 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है और पिछले साल भी जो है उसका स्ट्रक्चर जो है तो वो गंगा नदी में समा गया था। उस समय यदि सरकार अलर्ट होती और सही से उसका जांच करके कार्रवाई करवाती तो आज जो ये घटना घटी है वह सामने कहीं ना कहीं नहीं आती। जिस तरह से जो है तो आज तीन पाया जो है तो पूरा स्ट्रक्चर जो कम्प्लीट था वो पूरा जो है धराशायी हो गया है। वहां पर गंगा नदी पर जो ये पुल बन रही थी 1700 करोड़ की लागत से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बता दें कि शुरू से ही जो है तो पुल पर बनने पर सवाल खड़े उठ रहे थे कि जो इसमें जो है तो सही से गुणवत्ता इसका सही से नहीं जांचा जा रहा है, जिसके कारण जो है तो ये घटना हो रही है। उसके बावजूद भी सिर्फ जांच टीम बनाई गई थी पिछले बार भी, इस बार भी जो है कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। तो जो घटना घटी है उसके बाद से ग्रामीणों से लेकर के जो भी स्थानीय लोग हैं काफी आक्रोश इस बात को लेकर के है कि जो ये पुल बन रहा था नीतीश कुमार का जो है सो वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये पुल खगड़िया से सुल्तानगंज अगवानी सुल्तानगंज होते हुए ये जाना था यहाँ पर पुल। सबसे बड़ी बात है भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने के लिए ये पुल बन रहा था। 3 से 3 किलोमीटर लंबा ये पुल है वहां पर, लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य में ही बार बार ये जो पुल धराशायी हो रही थी कहीं ना कहीं सवाल उठते जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। जो निर्माण कंपनी है एसपी सिंगला जो है वो निर्माण कर रही है, इस पुल का निर्माण कर रही है। पिछले साल भी जो है जो पुल धराशायी हुई थी, जो पाया धराशायी हुई थी उसको लेकर के भी जांच टीम बनाई गई थी। आखिर क्यों नहीं कुछ जांच टीम के द्वारा क्या रिपोर्ट दिया गया वहां पर, किस पर कार्रवाई तय की गई, इस तरह का कहीं से भी कुछ सामने नहीं आया, जिसका परिणाम है एक बार फिर जो है तो तीन पाया जो है तो नदी में गंगा नदी में पूरा समा गया यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं सवाल उठना तो लाजमी है। जी बिल्कुल दिग्विजय, सरकारें कहती हैं कि घटना से हम सीखते हैं, सबक लेते हैं, हादसों से हम सीखते हैं, सबक लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पुल एक बार फिर से ढह गया है, भर भरा कर एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी में समा गया है, उससे तो यही नजर आता है कि सरकार ने पिछली घटना से, पिछले हादसे से, दुर्घटना से कोई सबक नहीं लिया, कुछ नहीं सीखा। दिग्विजय, सही 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 सवाल उठा है यहाँ पर। जो एसपी सिंगला है वो लगातार इस पुल का निर्माण कर रही है। जिस समय में ये घटना पिछले साल जो आई थी उस समय यदि सही से इसका जो है सो जांच होती और जो लापरवाही जहाँ पे बरती गई थी, यदि कंपनी के द्वारा यदि लापरवाही बरती गई हो या जहाँ कहीं भी अधिकारी के द्वारा या जिस तरह का भी कहीं ना कहीं से यदि जांच सही से यदि होती तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता सही होता वहां पर, और जिसके कारण जो है सो पुल सही सलामत रहता। लेकिन बार बार ये पुल गिर रहा, उसके बाद फिर अभी पुल धराशायी हुआ है, फिर जांच टीम बैठेगी, पुल का निर्माण का शुरू होगा, लेकिन जब तक सही सही कार्रवाई नहीं होती है, जब तक सही जो इसमें लापरवाह लोग उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं यह पुल जो है तो लगातार गिरते रहेगा, बनते रहेगा, गिरते रहेगा। ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश है कि जिस पुल को 5 साल में पूरा होना था, 7 साल 8 साल जो है तो बीतने जा रहे हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी पुल का कार्य काफी धीमी है। तो आखिर क्यों नहीं मुख्यमंत्री का जब नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बावजूद भी अधिकारी क्यों नहीं ध्यान देते हैं, क्यों नहीं लगातार मॉनिटरिंग उस पुल का किया जाता है, क्यों नहीं जो है तो मतलब बार बार ये सवाल लगातार उठते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं बड़ी एक लापरवाही फिर सामने आई है, जिसके कारण ये जो है सो पुल धराशायी होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीच नदी में जो है तो ये पुल 10, 11 और 12 नंबर जो पाया है वहां से नाव का परिचालन हो रहा था। कई लोग जो है तो वहां से सुल्तानगंज और अगवानी जो पुल हो रहा है वहां नदी है, उस नदी से लोग नाव से वहां पार करते हैं वहां पर। तो ग्रामीणों में भी इस बात को लेकर के खुशी थी कि हमको नाव से छुटकारा मिलेगा, पुल बनने के बाद जो है तो भागलपुर नजदीक हो जाएगा, वहां से 3 से 4 किलोमीटर जो है तो भागलपुर वहां पर जाएगा। लेकिन
जिस तरह से बार बार जो है ये पुल धराशायी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भी रोष है इस बात को लेकर के, या आखिर सरकार हो या अधिकारी क्यों नहीं सही से उस पुल को जांच करवा रहे हैं, क्यों नहीं उस पर ध्यान दे रहे हैं, और जो अधिकारी हैं क्यों नहीं उस पर सख्त है इतने जो इस तरह की घटना सामने आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ठीक सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और कई सारे सवाल दिग्विजय यहाँ पर खड़े होते हैं इस घटना के बाद से। बहुत शुक्रिया दिग्विजय जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।